एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चार विकल्प और ये क्वेश्चन जहां पर पूछा गया था ये आपको यहां दिखेगा। तो बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति से रिलेट करते हुए सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे पहला विकल्प है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ये भी सही है, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प ज़्यादा सही है और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बताया गया है आर्टिकल 87 में कहा गया है कि जब भी कोई नई सरकार चुन करके आएगी जो राष्ट्रपति होंगे वहाँ पर दोनों सदनों का जो संयुक्त सेशन होगा उसके प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे। लेकिन एक जगह और राष्ट्रपति का संबोधन होता है और ये होता है बजट के समय। जब बजट पेश करने वाले होती है सरकार तो बजट से पहले राष्ट्रपति का संबोधन होता है, उसके बाद बजट पेश होता है और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होती है। तो यहाँ पर केवल और केवल पहला ऑप्शन सही है। एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि विपक्ष हमेशा मांग करती है कि राष्ट्रपति इस मंत्री को बर्खास्त कर दें, तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन कैसे? क्या उनको लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन लेनी होगी, या फिर अगर इमरजेंसी है तब वो हटा सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश हो, या फिर अपने मन से जैसे मन करे वैसे? तो देखिए यहाँ पर 2 सेकंड हम दे रहे हैं आपको अपना उत्तर बताने के लिए। सही उत्तर ये है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकता है, ये भारत का कानून है। सभी लोगों को संविधान के अनुसार चलना होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री क्यों बना देंगे? मंत्री इसलिए बनाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री उनको सलाह देंगे, यानी कि प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनवा सकते हैं। वो अलग नियम है कि 6 महीने के अंदर इनको सदस्य होना पड़ेगा। तो जब प्रधानमंत्री अपनी सिफारिश से किसी को मंत्री बनवा सकते हैं तो प्रधानमंत्री ही अपनी सिफारिश से उसको हटवा भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सीजीएल टायर 1 2016 का ये क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है। जैसे केंद्र सरकार का कोई अधिकार वाला काम है और उसमें थोड़ा बहुत काम, पूरा काम तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत काम राष्ट्रपति राज्य को देना चाहे तो किसके आधार पर दे पाएंगे? क्या अपने मन से, या फिर मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, या फिर राज्य से परामर्श करके, या फिर राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके? यहाँ पर हम 2 सेकंड दे रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर बता पाएं। अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी आप कमेंट करके बताते रहिए। देखिए होता क्या है कि जब राज्य सरकार को कोई भी काम सौंपना होगा या फिर राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को सौंपना होगा तो इसके लिए आर्टिकल 258 में बताया गया है कि ये राज्य सरकार से परामर्श करके दिया जा सकता है। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। मतलब कोई अप्रत्याशित खर्च आ गया तो यहाँ पर पैसा कहाँ से दिया जाएगा। यहाँ पर आपके 4 विकल्प है। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई अप्रत्याशित खर्च आता है, जैसे कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो इस तरह इसके लिए एक आकस्मिक निधि होती है और उसी से पैसा दिया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? इमरजेंसी का नाम आपने सुना ही होगा। तो अगर हम भारत में देखें तो भारत में इमरजेंसी 3 तरह की होती है। तब तक आप अपना उत्तर बता दीजिए। 352, 356 और 360। 352 को क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय आपातकाल। और जो 356 है इसको राज्य आपातकाल बोलते हैं और 360 को बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? 352 अगर लगेगा, आपको पता होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के समय ये लगाया गया था, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मौलिक अधिकार में से कई सारे अधिकार और आपके बाकी अधिकार को ख़त्म कर दिया जाता है। सरकार अपनी मनमानी कुछ दिनों तक कर सकती है, जैसे कभी किसी देश से युद्ध हो गया तब आपके कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे, उस समय 352 लगा दिया जाता है। 356 लगाने का ये मतलब होता है कि किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री है और वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, या फिर वहाँ पर कोई सरकार चुन के नहीं आ पाई है, जैसे कि वहाँ पर 200 सीटें हैं और 3 लोग 60-60 सीटें करके पा गए हैं,
एक 60-60 और एक 80 पा गया है। अब ये तीनों मिल करके सरकार बनाना नहीं चाहते हैं, सरकार बनाने के लिए कम से कम 101 चाहिए। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति चाहें तो यहाँ पर भी आपातकाल लगा सकते हैं कुछ समय के लिए, ये होता है 356। और अगर देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, इसको रोकना मुश्किल हो जाए, तो वहाँ पर जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है इसको हम 360 के तहत लगाते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों इमरजेंसी को लगाने का अधिकार केवल और केवल एक ही व्यक्ति को है, और ये है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्या इसे अपने मन से लगा पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति को लगाने के लिए कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए। अब कैबिनेट कौन? तो केंद्रीय कैबिनेट। देखिए होता क्या है कि भारत में कोई भी व्यक्ति उतना पावरफुल नहीं है। आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के पास भी उतनी पावर नहीं है, क्योंकि जो भी बड़े फैसले होंगे कैबिनेट से ही पास होकर जाएंगे, चाहे वो बजट हो, युद्ध हो, शांति हो या फिर आपातकाल हो। ये क्वेश्चन सीजीएल का है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन क्या आपको पता है कि किस आर्टिकल में ऐसा बताया गया है? किस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे? आप बताएंगे? यह है 75(1), इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री के सलाह पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? कौन है जो कि पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, बताइए उपराष्ट्रपति को। देखिए शपथ से और इस्तीफा से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, जैसे कि किसको कौन शपथ दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो CGI, मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, अगर बाई दवे CGI नहीं है उपस्थित, तब कौन दिलाएगा? जो भी वरिष्ठ जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, या फिर CGI किसी को भी अपने यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं, वो जज ही होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मतलब अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 40, 35, 30 और 25। सही उत्तर क्या होगा? देखिए भारत में आर्टिकल अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर इंटर लेवल की भी, तो अगर आप आर्टिकलों को याद रखते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर चुने जाने योग्य होने चाहिए। तो यहाँ पर 35 साल है और इसके लिए सही होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेनोग्राफर में पूछा गया था 2017 में। इसमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। यह है राष्ट्रपति। देखिए संसद का हिस्सा इनको हम क्यों मानते हैं? क्योंकि कोई भी बिल जब कानून बनेगी तो उसको संसद से पास करवाना होगा, यानी कि लोकसभा, फिर राज्यसभा, या फिर पहले राज्यसभा, बाद में लोकसभा, और अंतिम में राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं है। तो ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? संसद। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं इनमें से किसी भी सदन में वो बैठते नहीं हैं। कभी कभी अभिभाषण दे सकते हैं लेकिन उसमें ये बैठ नहीं सकते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? मतलब आप पढ़े होंगे कि संसद में वही लोग बैठेंगे जो कि संसद के सदस्य होंगे, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लेकिन ऐसा एक अधिकारी है जो कि सदस्य तो नहीं है लेकिन जाकर उसमें बैठ सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, बयान दे सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन वोटिंग का पावर इसको नहीं है। किसी मुद्दे पर जब वोटिंग होगा तब इनको वोटिंग का पावर नहीं है। तो ऐसा कहा गया है आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का जो महान्यायवादी होगा यानी कि अटॉर्नी जनरल, ये किसी भी सदन में बैठ सकता है। ये SSC JEE सिविल एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह के वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? सबसे कम समय के लिए आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपतियों की सूची, हमने वो वाला ऐप पर सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जाकिर हुसैन थे जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इनका जो टाइम पीरियड था ये सबसे
कम था और इनका कम होने का कारण क्या था, क्योंकि असमय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। एसएससी सिविल जेई 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? किसी भी राज्य में कोई भी राज्यपाल बनाना है तो राष्ट्रपति किसको बनाएंगे, इसके लिए सलाह कौन देगा? तो इसके लिए सलाह देगी भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री सलाह देंगे और किसी भी व्यक्ति को कुछ कंडीशनों को देख करके बनाया जा सकता है। और अगर आप देखेंगे संविधान में, तो संविधान में एक संशोधन हुआ था 7वां, जो कि हुआ था 1956 में, और यहाँ पे कहा गया है कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति है, अगर लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से भंग कर दे तो ऐसा वो कब कर सकता है? क्या मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, उपराष्ट्रपति के सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष के सलाह पर, या फिर प्रधानमंत्री के सलाह पे? देखिए, भारत में होता क्या है कि यहाँ पे दो सेशन है केंद्रीय लेवल पे, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। इसको अपर सेशन बोलते हैं, जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति 6 साल के लिए इसमें आएगा, ऐसी इसकी कहानी बनाई गई है कि हर 2 साल पर 1/3 मेंबर रिटायर होते रहेंगे। लोकसभा में ऐसा नहीं है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। इसमें जो सदस्य चुन करके आते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा को ही भंग करने की बात की गई है, तो लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है, मतलब कि ये प्रधानमंत्री की सलाह पे किया जा सकता है, क्योंकि जब लोकसभा भंग होगी तो सरकार ख़त्म हो जाएगी और फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। तो आप सुने होंगे कि जब चुनाव होने वाला होता है तब ऐसा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति है ही, लेकिन वो किसके अध्यक्ष हो जाएंगे? अगर आपको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप ऑटोमेटिक अध्यक्ष हो जाएंगे, इसको पदेन बोलते हैं, और यह होता है राज्यसभा में। देखिए, लोकसभा में क्या होता है, 552-550 जितने भी मेंबर चुन करके आएंगे, इनमें वोटिंग होती है, और इनमें 2 लोग 3 लोग जितने भी लोग रहेंगे प्रत्याशी, इसमें से जो सबसे ज़्यादा मत पाएगा वो लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा वोटिंग होगी, जो इससे थोड़ा कम वोट पाएगा या फिर दोबारा वोटिंग में जो सबसे ज़्यादा पाएगा ये उपाध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, दोबारा ये एक ही बार की वोटिंग नहीं होता है, दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। राज्यसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होंगे ये हमेशा और हमेशा उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष बनेंगे। उपाध्यक्ष एक नियुक्त किया जाता है और उसका भी चुनाव होता है राज्यसभा में भी। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? वित्तीय आपातकाल मतलब कि 360। और अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर बताने में थोड़ा भी टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि इसके लिए सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल हो या फिर किसी तरह का आपातकाल हो, ये घोषित करने का अधिकार केवल और केवल किसको है? राष्ट्रपति को है। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? देखिए, एक ही क्वेश्चन कई परीक्षाओं में कई तरीके से पूछे गए हैं, इसलिए ये आ रहे हैं 352, 356 या फिर 360। इन तीनों को घोषित करने का अधिकार केवल और केवल किसको है? राष्ट्रपति को है। हालांकि ये घोषित तो हो जाएंगे, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगला है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बताइए। देखिए, अगर हम देखें मनोनीत करने के बारे में, तो मनोनीत करने में लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, और वो भी क्यों और कब? जैसे आपको पता होगा कि जब 1950 में अंग्रेज यहाँ से पूरी तरह से चले गए, वैसे तो 1947 में ही चले गए थे, लेकिन आखिर बाकी लोग 1950 तक पूरी तरह से चले गए, फिर भी यहाँ पर कुछ अंग्रेज रह गए, तो उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में इनकी संख्या है 2, और राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति को लगे तो। यहीं पर अगर राष्ट्रपति से राज्यसभा के बारे में पूछा जाए, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दूसरी परीक्षा में पूछा गया था इसलिए हमने पूछ लिया। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वित्तीय आपातकाल मतलब कि आर्टिकल
360 के बारे में पूछा गया है कि आर्टिकल 360 को कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है। तो इसके लिए सही उत्तर है कि जब इसको लगाया जाएगा, मतलब देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति सही नहीं होगी, तब इसको लगाया जाएगा। और इसको लागू करने की कोई अधिकतम अवधि नहीं है, इसको कितना भी समय के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन पहली बार आप 6 महीने के लिए लगाएंगे, बाद में इसको आप संसद से इसका अप्रूवल लेकर के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसको एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। जो भी विधायक होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। तो जो ये मनोनीत लोग होते हैं ये लोग चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जो निर्वाचित लोग होंगे ये हिस्सा लेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 14 सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा कहा गया है, यहाँ पर है वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। तो देखिए, जो भी मंत्री बनते हैं ये कहीं ना कहीं सांसद होते हैं, ठीक है। तो जो सांसद होगा, जाहिर सी बात है, ये चुन कर आया होगा, या फिर अगर ये सांसद होगा तो ये किसी न किसी पार्टी का होगा। जब पार्टी है तो राजनीति तो होगी ही होगी। लेकिन जो रक्षा मंत्री का सचिव होता है या फिर कोई भी किसी भी विभाग का सचिव होता है, वह राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को आहूत करता है? आहूत का मतलब ये होता है कि दोनों को संबोधित कर सके। तो इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं और इसके लिए सही उत्तर होता है राष्ट्रपति। MTS का यह क्वेश्चन है 2017 का। राष्ट्रपति अगर आपको चुनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी? देखिए, हमने उपराष्ट्रपति के लिए बताया था, अब राष्ट्रपति के लिए भी बता देते हैं। ये भी उम्र है 35 साल। 35 साल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके अलावा राज्यपाल के लिए होता है, ठीक है। अगर 25 साल देखें तो ये होता है सांसद के लिए, और सांसद कौन? केवल लोकसभा। 30 साल देखें तो ये भी होता है सांसद के लिए, लेकिन सांसद कौन? राज्यसभा। ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? मतलब कई सारे लोग हैं जो कि राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है, लेकिन कौन है जिसको जिनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा, तो आप बताइए। तो देखिए, राज्यपाल को राष्ट्रपति लाते हैं और ये इनको कभी भी हटा सकते हैं, उसी तरह महान्यायवादी होता है। लेकिन चुनाव आयुक्त के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम किस अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6-6 महीना करके इसको बढ़ाया जा सकता है, तो इसे कब तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जब भी कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, मतलब किसी भी राज्य में, तो वहाँ पे पहली बार इसको 6 महीने के लिए लगाया जाएगा। फिर जब 6 महीना पूरा हो गया तो इसको या तो हटाइए या फिर संसद में इसे पास करवाइए। तो आप पास करवा देंगे तो 1 साल हो जाएगा, मतलब 6 महीना और बढ़ गया। फिर दोबारा आप करेंगे तो 1 साल और बढ़ जाएगा। यानी कि इस तरह करके आप इसको 3 वर्षों तक बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन SSC CHSL 10+2 का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यह आपके विकल्प है। ये क्वेश्चन जहाँ पर पूछा गया था ये आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर उसके तरीके को बदलना हो तो इसको बदलने का काम कौन कर सकता है? पहले तो आप ये जानिए कि राष्ट्रपति के चुनने का तरीका क्या होता है। तो राष्ट्रपति को कुछ विधायक, कुछ सांसद मिल करके इनका एक चुनाव होता है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा मत मिलता है उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इसके जो चुनाव करने की प्रक्रिया है इसको कौन बदल सकता है? तो इसको बदलेगा कौन? संसद। लेकिन इसके साथ राज्यों की सहमति जरूरी है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। SSC CHSL 10+2 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, 352, 356 और 360। अगर कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो, युद्ध हुआ हो या फिर कोई विद्रोह हुआ हो, तो उस कंडीशन में किस तरह का आपातकाल लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, और ये होता है 352। अब जो ये आपातकाल वाला सिस्टम है ये किस भाग में रखा गया है?
आपने अनुच्छेद तो देख लिया, इसका भाग है, आप बताइए कि इसको क्या लिखा गया है। काफ़ी सारे लोगों को रोमन में जानकारी नहीं होती है, तो आप हमें इसका मतलब कमेंट करके बता सकते हैं। CHSL 10+2 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन की अधिसूचना जारी करते हैं। मतलब कि जो वहाँ पे पीठासीन अधिकारी होता है, अगर वो एक अधिसूचना जारी करता है, अगर स्थगित हो गया है तो किस तरह की अधिसूचना जारी की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर होता है सत्रावसान, मतलब कि सत्र को ख़त्म करने की, क्योंकि जो वहाँ पर पीठासीन अधिकारी होता है वो उसको ऑलरेडी क्या कर चुका है, स्थगित। पीठासीन अधिकारी का क्या मतलब है, लोकसभा की बात करें तो स्पीकर, ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का स्पीकर, और राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। SSC CHSL 10+2 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, और यहाँ पे पूछा गया है कि पहले उपराष्ट्रपति, तो पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए थे 1952 में, और ये रहे थे लगभग 10 साल 1962 तक, और इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाद में इनको राजदूत बना के भेज दिया गया, बाद में राष्ट्रपति भी बने, तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के रूप में कौन कार्य करेगा। देखिए, भारत में जो सिस्टम लगा है ना, यहाँ पे कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा जो कि सबसे ऊपर होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अब कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पे तुरंत काम करना शुरू कर देगा उपराष्ट्रपति, ठीक है, और अगर उपराष्ट्रपति वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना पड़ेगा राष्ट्रपति का। जो भी नया वाला पर्सन चुन करके आएगा यहाँ पर आके बैठ जाएगा, और जो ये उपराष्ट्रपति यहाँ पर जाकर काम कर रहे थे फिर से अपने जगह पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर ये दोनों लोग नहीं हो, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये नहीं रहेंगे तो ये चले जाएंगे, लेकिन अगर दोनों लोग नहीं रहेंगे तब कौन यहाँ पे बैठेगा राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति रहना ज़रूरी है। कुछ दिनों तक उपराष्ट्रपति कोई नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति रहना हमेशा ज़रूरी होता है। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो उस जगह पर बैठेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि CJI, ठीक है। ये जो राष्ट्रपति का अधिनियम बना था 1969 में, उसमें बताया गया है, और ये कंडीशन कब लगेगी, अनुपस्थित होने पर, मृत्यु होने पर, या फिर दोनों के दोनों लोग एक ही साथ अपना पद छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन पर भी। और अगर CJI वहाँ पे काम करना शुरू कर दिए तब भी आपको 6 महीने में चुनाव कराना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, CJL टायर 1 का 2019 में पूछा गया है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, और हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पर अगर हम राष्ट्रपति को लिख लें, यहाँ पर उपराष्ट्रपति को लिख लें, ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को, ये दोनों लोग आपस में लेन देन करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए, जब तक हम आपको इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उस दौरान आपको 2 से 3 सेकंड मिल रहा है, उसी दौरान आपको अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है, चाहे आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हो या फिर लाइव। ये क्वेश्चन CJL टायर 1 2019 में पूछा गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है। देखिए, पहले क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो कुछ लोग, कुछ अंग्रेज यहाँ पे रह गए। उनका ये मानना था कि भारत एक अच्छा देश है और ये हमारा देश है, हम यहीं पे रहेंगे। तो अब क्या होता है कि जब हम अपना नेता चुन करके भेजते हैं 542-550 सीटों पर, चाहे जितने भी हो, तो यहाँ पर ये नेता तो हमारे चले गए, लेकिन जो भी अंग्रेज बचे थे, जो भी देश भर में आए, क्योंकि वो कहीं एक जगह पर नहीं है, कहीं एक जगह पर अगर 2-4 लाख होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी अपना एक नेता चुनते, लेकिन उनकी संख्या कहीं 10,000 है तो कहीं 2 है, कहीं 10 है, कहीं 5 है, कहीं 1,000 है, इस तरह पूरे देश में फैले हुए हैं। तो उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एंग्लो इंडियन को वहाँ पर रखा जाता है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो केवल 2 लोगों को यहाँ पर रखा जा सकता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इनको नामित करने का अधिकार मिला है ये किस आर्टिकल के अनुसार मिलता है। तो देखिए,
ये मिलता है आपको आर्टिकल 331 के अनुसार। और यहाँ पर यह कहा गया है, अगर हम 331 की बात करें, कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन को यहाँ पे रखना चाहिए तो वो रख सकते हैं, अन्यथा ये ज़रूरी नहीं है। सीजीएल टायर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और इसके साथ शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़े। और पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड करिए, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियाँ किसमें होंगी? मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, चुनाव हो गया, एक पर्सन जीत गया, तो वहाँ पर कोई मामला आकर फंस गया चुनाव में, जैसे कि जो विपक्ष पार्टी है ये कह रही है कि यहाँ पे धांधली हुई है, गलत हुआ है, तो इस तरह का कोई भी विवाद होगा तो उसको कौन सुनेगा, इसके लिए किसके पास जाना होगा? तो इसके लिए केवल और केवल आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, किसी हाई कोर्ट के पास नहीं, राज्यसभा के सभापति के पास नहीं, प्रधानमंत्री के पास नहीं, चुनाव आयोग के पास नहीं। वैसे अगर ये पूछा जाए कि चुनाव कौन कराता है तो चुनाव आयोग ही कराता है, लेकिन जब भी कोई विवाद होगा आपको सीधे जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। CHSL 10+2 2019 के थर्ड पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? यही क्वेश्चन अभी आपने देखा CGL में पूछा गया था, यहाँ पर 10+2 में है, तो ये देंगे किसको? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? तो ये देगा राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किसको देंगे? प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है ये किसके पास होती है? अध्यादेश जारी करना, अब देखिए अध्यादेश एक अलग तरह का शब्द है। अध्यादेश का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जो सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, ये साल भर में 2 बार हो सकता है, वैसे 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी बुलाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली 2 बार होता है, ठीक है। जब लोकसभा का सेशन होगा तो यहाँ से लोकसभा है, यहाँ से राज्यसभा है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट है। यहाँ से कोई बिल पास हुई फिर से वो यहाँ पे आएगी, यहाँ से बिल पास हुई फिर से प्रेसिडेंट के पास जाएगी और इनका साइन होगा और वो कानून बन गया। लेकिन क्या होगा, जैसे कोई मामला आ गया और अभी अभी लोकसभा और राज्यसभा का सेशन ख़त्म हुआ है, जैसे अभी अभी सेशन ख़त्म हुआ है, अब लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने या फिर 1 महीने या फिर 5 महीने बाद अगला सेशन होगा, और कोई रेप हो गया फिर या फिर कुछ ऐसा घट गया जिस पे कानून बनाना बेहद ज़रूरी हो गया, तो उस तरह की कंडीशन में राष्ट्रपति को पावर मिलता है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का। मतलब आप देखे हैं कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट की साइन होगी तब कोई कानून बिल बनेगा, मतलब बिल कानून बनेगा, लेकिन अध्यादेश में अगर राष्ट्रपति केवल साइन कर दे तो वो कानून बन जाएगा। कब तक? जब तक कि अगला सेशन नहीं हो जाता है तब तक के लिए। अगले सेशन में इसको पास कराना जरूरी होगा, अगर पास नहीं हुआ तो 6 सप्ताह बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला है कि संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो अभी हमने आपको बताया कि केवल और केवल 2 लोगों को नामित कर सकता है, और कौन नामित कर सकता है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगर हम राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में कितने लोग नामित किए जाते हैं, तो इनकी संख्या होती है 12। हालांकि ये एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं, ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे कि खेल, साहित्य, फिल्मी दुनिया, इस तरह। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? कहने का मतलब वही है कि आपातकाल अगर इस तरह की कंडीशन में लगेगी तो कौन सी लगेगी, क्योंकि आपातकाल तो 3 तरह की होती है। ये होता है 352 जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अगर किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है 356। देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है तब 360 लगाया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहा? यहाँ पर विकल्प हैं, आप बताइए। देखिए इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, अगर खास करके देखेंगे तो पहले दूसरे लोग ही ऐसा कर पाए थे, तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कुल मिलाकर के 12 साल, इसके अलावा 107 दिन, 12 साल 107 दिन तक राष्ट्रपति रहे। इस समय आप देखेंगे जब हम 2022-23 या फिर 21-22 की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर केवल व्यक्ति एक ही बार बन पाता है। CHSL
10+2 2019 का ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये किस आर्टिकल में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, क्या क्या होगा, तो ये बताया गया आर्टिकल 54 में। आर्टिकल जरूर याद रखिए, आर्टिकल ये आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। अब वो ज़माना नहीं रहा कि राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देगा नहीं देगा, अब आपसे आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी है, अगर आप ऐप डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ पर आपको सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल एक ही जगह मिल जाते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं कौवें इस समय हैं, आगे हो सकता है कि ये ना रहे, तो जब इनका टाइम ख़त्म होगा, मतलब कि ये जब इनका 5 साल पूरा हो जाएगा तब ये नहीं रहेंगे, कोई और आएगा। लेकिन यहाँ पर इनका नंबर कौन सा है बताइए। चलिए आपको बता देते हैं कि ये कब बने, तो ये 2017 में बने, 2022 में हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्रम कौन सा है, 14वां, ठीक है, 14वां। अगला है कि संविधान का जो आर्टिकल 274 है इसके अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों को किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है? देखिए, जब भी कोई टैक्स वाला, मतलब कि कराधान टैक्स वाली बिल आप लाएंगे, तो आर्टिकल 274 में ऐसा बताया गया है कि इसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? यहाँ पे आपके विकल्प हैं, बताइए। क्वेश्चन MTS का है, काफ़ी आसान है, लेकिन सही उत्तर है अध्यक्ष।
तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन जितना महत्वपूर्ण होगा वो उतने बार पूछा जाएगा। देखिए राज्यसभा के लिए जो आर्टिकल बताया गया है यह है 84 का बी, और इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में जिनको भी जाना होगा उनकी उम्र कम से कम 30 साल होगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि विशेष विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। देखिए जब भी धन विधेयक के बारे में बात होगी तो उसका फायदा यह है कि उसमें राज्यसभा को उतना ज़्यादा पावर नहीं है। जैसे कोई विधेयक पेश किया गया और अगर वो धन विधेयक निकल गया तो उसको लोकसभा में तो रोका जा सकता है, लेकिन एक बार जब वो लोकसभा से पास हो जाए तो उसको राज्यसभा नहीं रोक सकती है। राज्यसभा केवल उस पर परामर्श दे सकती है, थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए बोल सकती है, लेकिन अधिकार नहीं है कि उसको रोक दे। तो यहाँ पर धन विधेयक है या फिर नहीं है ऐसा कहने का अधिकार केवल और केवल है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ये देखिए क्वेश्चन कितने बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। वित्त आयोग के बारे में आप जानते होंगे, वित्त आयोग का काम ये होता है कि ये जो सरकारें होती हैं उनमें पैसे का लेन देन रखता है। आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन होता है और अनुच्छेद 243 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति इसका गठन करेंगे। ठीक है, और इसका गठन होता है 5 साल के लिए। भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन। जब हम भारतीय संसद कहते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, और इसके अलावा आते हैं प्रेसिडेंट। मतलब कि तीनों लोग को मिला लेंगे तब जाकर हम कहेंगे कि भारतीय संसद हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा। अगला है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में भी बता दें, लोकसभा में हो सकती है 552 2026 तक, जिसमें से फिलहाल 542 लोग चुन करके आते हैं, 12 से 13 लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं लगभग चुन करके यूनियन टेरेटरी से, तो लगभग 550 लोग आ ही पाते हैं। 2 लोगों को एक्स्ट्रा रखा गया है ताकि अगर कोई भविष्य में क्षेत्र भारत में जुड़ेगा तो हम इन 2 लोगों को वहाँ पर प्रतिनिधित्व दे देंगे। अगर हम राज्यसभा की बात करें जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये है 250, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आर्टिकल 243(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता पाने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए। देखिए संसद मतलब कि अगर हम लोकसभा की बात करें, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे 550 लोग होते हैं एक अनुमान से, और यहाँ पर एक पार्टी होगी जिसके पास सरकार होगी, सत्ता होगी। मान लेते हैं इसके पास 300 लोग हैं, एक व्यक्ति हैं जिनके पास 100 लोग हैं, एक व्यक्ति हैं जिनके पास 40 लोग हैं, ठीक है, एक व्यक्ति हैं जिनके पास 20 लोग हैं, और एक व्यक्ति हैं जिनके पास 55 लोग हैं। 55 लोग तो नहीं बचेंगे क्योंकि 40-60 हो गया, तो ये 40 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 550 या फिर अगर 60 लोग हो भी जाते हैं तो उसको मिलेगा जो कि विपक्ष में सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होगी, या फिर अगर विपक्ष में जो पार्टियाँ हैं, कई पार्टियाँ हैं, किसी के पास 50 है, किसी के पास 55 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है, तो इस तरह के कंडीशन में 1/10 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 1/10 होगा तभी जाकर के उनको विपक्षी दल का मान्यता मिलेगा, यानी कि लोकसभा में इसका 1/10 यानी कि 55, राज्यसभा में 250 का 1/10 यानी कि 25। ठीक है, तो इतने लोग अगर आपके पास रहेंगे तभी आपको विपक्षी दल बनाया जा सकता है। एक से अधिक लोग हो जाएंगे तो जिनके पास ज़्यादा नंबर होगा उनको विपक्ष बना दिया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी मिसटाइपिंग हो गई थी, यहाँ पे 1/10 होना चाहिए और यही इसका सही उत्तर होगा। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। अभी बहुत पहले नहीं, अभी कुछ समय पहले थी ये, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, तो इनका नाम है मीरा कुमार, आती हैं बिहार से। ठीक है, मीरा कुमार ये 2009 से लेकर के 2014 तक रहीं। मीरा कुमार, क्वेश्चन है कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, ये है आपके विकल्प। और ये क्वेश्चन देखिए कितने बार एसएससी में पूछा गया है, ये केवल एसएससी है, इसके अलावा भी कई बार पूछा जा चुका है।
यहाँ पर देखिए मुख्य विधि अधिकारी, मतलब कि ऐसा अधिकारी जो कि विधि वाला हो, विधि मतलब कि कानून के लिए जो सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये कौन होता है? ये होता है भारत का महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी के बारे में ये कहा गया है कि महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होगा, और आर्टिकल 76, 88 और इसके अलावा 105 के चौथे भाग में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ये किसी भी संसद का, मतलब कि संसद में दो सेशन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इनमें से किसी का मेंबर नहीं है, फिर भी इसके किसी भी सेशन में ये बैठ सकता है, अपना विचार रख सकता है। अगला है कि लोकसभा में चुनाव के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, बताइए। ये सारे आपके विकल्प हैं। सही उत्तर होगा 25 साल। 25 साल मतलब कि लोकसभा, और राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है, तो ये हैं आपके दोनों, लोकसभा और ये राज्यसभा। राज्यपाल के लिए बताइए, राज्यपाल के लिए, तो राज्यपाल के लिए 35 साल। राष्ट्रपति के लिए बताइए, राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य आपको बताना है। देखिए प्राक्कलन समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चुने जाते हैं ये केवल और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में अधिकतम 30 लोग हो सकते हैं। कोई मंत्री बन गया तो वो इस समिति में नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन SSC में इतने बार पूछा जा चुका है। इसका पहला वाला विकल्प सही होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। देखिए ये हो गया लोकसभा, लगभग 550 लोग चुन करके आ सकते हैं, मैक्सिमम 552 लोग 2026 तक। ठीक है, अब यहाँ पे 550 लोग, जब मतदान होता है हर 5 साल पे, तो 550 लोग चुन करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो चेयर होती है, जिसको हम अध्यक्ष बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं, तो राष्ट्रपति देखता है कि इसमें से 550 लोगों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अधिकतम बार चुन करके आया है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, राष्ट्रपति किसी को भी यहाँ पे बैठा सकता है बिना चुने हुए। ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ बैठ जाएंगे और इनको जो शपथ होगी, इनको शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति। जब ये शपथ ले लेंगे तो यहाँ पे बैठ जाएंगे, और ये क्या करेंगे कि जो 549 लोग बच गए इनको शपथ दिलवाएंगे। सभी लोग अब शपथ ले चुके हैं, लेकिन जो चेयर पे कौन बैठे हैं, चेयर पर एक दूसरे वाले पर्सन बैठे हैं जिनको राष्ट्रपति ने बैठा दिया था। अब होगा क्या कि इन 550 लोगों का चुनाव होगा, और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। अगर हम लोकसभा की बात करें, वैसे आप देखेंगे तो ये जो वीडियो हम कवर कर रहे हैं ये चैप्टर वाइज है। इससे पहले हम राष्ट्रपति, उससे पहले प्रधानमंत्री, और अब हम लोकसभा को देख रहे हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। ये पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो इसका कार्यकाल कितना होगा प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री तब तक प्रधानमंत्री है जब तक उसके पास बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में। तो अगर उसके पास बहुमत है लोकसभा में तब वो प्रधानमंत्री है, अगर बहुमत खत्म हो जाएगी तो उस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री एक सांसद होते हैं, तो सांसद जो चुना जाता है लोकसभा में ये 5 साल के लिए, और अगर हम पूछे कि राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो सांसद चुना जाएगा ये 6 साल के लिए चुना जाएगा। संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन, मतलब कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो इसके लिए सही उत्तर यह है कि दोनों अंतरालों के अंतराल पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर इस तरह समझिए कि पूरे एक साल में 2 बार कराया जाता है, 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 6 महीने के गैप वाली जो बात बताई गई है यह आर्टिकल 85 में बताई गई है। यहाँ पे कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे बजट वाले साल में, जैसे कि 2022 है, 2023 है, जब फरवरी में बजट पेश होता है 1 फरवरी को, तो उस बार बजट वाले सेशन को आप देखेंगे तो उसको मिला करके 3 बार सेशन बुलाया जाता है। आज सरकार चाहे तो इसको 4 बार भी कर सकती है, 5 बार भी कर सकती है कुछ खास कंडीशनों में।
अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है, बताएं। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि 550 लोग हैं, ठीक। पता चला कि किसी दिन वोटिंग हो रही है और यहाँ पर एक जो स्पीकर हैं वो बैठे हुए हैं और केवल 500 लोग इनको छोड़ करके उपस्थित हैं। 500 लोग किसी भी बिल पर वोटिंग हुई, 250 लोग उसके पक्ष में हैं और 250 लोग उसके विपक्ष में हैं। इस तरह की नौबत आ जाती है, तब जो लोकसभा का स्पीकर होता है उनके मत को हम निर्णायक मत कहते हैं। वो जिस भी मतलब कि पार्टी के साथ चले जाएंगे, जिस भी पक्ष के साथ चले जाएंगे, उनकी जीत मान ली जाएगी। तो ऐसा तभी होगा जब केवल एक वोट की ज़रूरत पड़ेगी, जब जो सामने वाले हैं दोनों बराबर हो जाएंगे। जब तक ये बराबर नहीं है तब तक इनके वोट की भी उतनी खास वैल्यू नहीं है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, कौन? जो योजना आयोग होता है, जिसका अब जो नाम बन गया है ये नीति आयोग हो गया है, 1950 में योजना आयोग को बनाया गया था। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक है, ठीक है, मतलब कि संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, इसको बस एक कानून बनाया गया और योजना आयोग को बना दिया गया। तो जब मोदी सरकार आई तो ये 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका जो अध्यक्ष होता है पदेन, ये कौन होता है? तो जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक अध्यक्ष हो जाएगा योजना आयोग का। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिसियो। अगला है कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता, देखिए विपक्ष का क्या होता है, विपक्ष का नेता बनने के लिए उनके पास लोकसभा में कम से कम 55 मेंबर और राज्यसभा में 25 मेंबर होने चाहिए। ये कहाँ से आया? तो 1/10, मतलब कि लोकसभा में 550 होते हैं तो इसका 1/10 55 हो गया, इसका 250 होते हैं राज्यसभा में तो इसका 1/10 25 हो गया। तो अगर इतने लोग आपके पास हैं तब आपको विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पहले नेता, तो पहले नेता मतलब 1952 की बात की जा रही है और ये थे ए के गोपालन, ठीक है, ये CPI से थे, कम्युनिस्ट जो पार्टी है उससे थे। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है? कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसके नाम से ये लेटर लिखेंगे? ये लिखेंगे भारत के लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना होगा तो ये अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष को देना होगा उपाध्यक्ष को देंगे। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे, ये गंवा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर संसद में कोई कितने दिन तक नहीं आएगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए जो सही उत्तर है यह है 60 दिन। 60 दिन तक कोई भी सांसद अगर वहाँ पे प्रेजेंटी नहीं देता है 60 दिन तक लगातार तो उसको हटा दिया जाएगा। हालांकि अगर आप 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी स्पीकर से। अगर आप परमिशन ले लेंगे तो उस कंडीशन में आपको 60 दिन से अधिक की भी छुट्टी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? अभिनव चर्चा प्रक्रिया के बारे में बात की गई है तो इसके लिए सही उत्तर होगा शून्यकाल। देखिए जो दोनों सदन होते हैं उसमें शून्यकाल होता है और इसको हम जीरो आवर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1960 और 70 के दशक में समाचार पत्रों से इसकी शुरुआत हुई, मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उठाने का परमिशन दिया जाता है शून्यकाल में। ये आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में देखने को मिलेगा। अगला है कि पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटें में राज्यसभा में कितनी संख्या है? जैसे आप देखेंगे कि राज्यसभा में कुल मिलाकर के 250 लोग हैं, तो यहाँ पूछा गया है कि 250 में से वेस्ट बंगाल से कितने लोग चुन करके आते हैं? तो इसके लिए सही उत्तर होगा 16। चलिए आप बताइए कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा में संख्या कहाँ से चुन करके आती है? तो यूपी में। कितनी संख्या है? तो 31। यूपी में लोकसभा से कितने लोग चुन करके आते हैं? 80, और ये सबसे अधिकतम है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन है? देखिए दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनमें से कौन सा सदन है जो कि जनता द्वारा निर्वाचित है? यह है लोकसभा, क्योंकि हम लोकसभा का डायरेक्ट चुनाव करते हैं। वैसे तो राज्यसभा जनता के द्वारा ही चुनी जाती है लेकिन डायरेक्ट नहीं चुनी जाती है, इसलिए आपका उत्तर होगा लोकसभा।
FCI असिस्टेंट ग्रेड, क्या ये क्वेश्चन है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर आपने देखा कि लोकसभा में जो 550 या 52 लोग चुन करके आते हैं, इन्हीं में से एक स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार SSC में अब तक पूछा जा चुका है। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि सही उत्तर है 1950, लेकिन अगर डेट के बारे में पूछ लिया जाए तो एग्जैक्ट डेट है 15 मार्च 1950। और ये संसद में, अगर आप देखेंगे तो संसद में इसको पास कराया गया, संविधान में इसके बारे में कहीं पर कुछ नहीं लिखा गया है। योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है इसमें कई लोग होते हैं, और ख़ास करके अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, योजना आयोग के सभी सदस्य होते हैं, इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ पर जो विकल्प मिल रहा है उसके मुताबिक ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे, और इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चनों का आपको वहाँ पर टेस्ट देने को भी मिल जाएगा। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी मतलब कि उत्तर देना जरूरी है, जैसे कुछ भी हो गया तब आपको उत्तर देना जरूरी है, ऐसा होता है लोकसभा के प्रति। पर एक चीज़ आप समझ जाइए कि जो मंत्री होगा ना, ये केवल लोकसभा से नहीं हो सकता, ये राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लेकिन भले ही वो राज्यसभा से हों, लोकसभा में भी सवाल पूछा जाएगा तो उनको लोकसभा में जा करके बताना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा 11 का नाम किस वर्ष दिया गया। देखिए, जो लोकसभा है इसको 1954 में हाउस ऑफ द पीपल कहा गया, और आर्टिकल जो 79 है इसके मुताबिक संसद के 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके लायक उत्तर है ये है 1954, SSC स्टेनोग्राफर C&D ग्रेड का ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC का अध्यक्ष कौन होता है। NIC यानी कि नेशनल यूनिटी काउंसिल, और इसका अध्यक्ष हमेशा और हमेशा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। MTS का क्वेश्चन है। अगला है कि संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। देखिए, जो भी खर्च होता है देश का तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए कौन होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हम जब भी आपको कुछ फैक्ट बता रहे हैं उस समय आपको 2 से 3 सेकंड मिल रहा है, उसी दौरान आप अपना उत्तर बता दिया करिए। ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, होता क्या है कि जो भी सरकार के खर्चे होते हैं उनको ऑडिट करने का काम होता है इनका। ये सरकार के खर्चों को देखेंगे, ऑडिट करेंगे, और ये जमा करेंगे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको देखेंगे और रखवा देंगे कहाँ पे, लोकसभा में। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। मतलब इसमें से 4 लोगों का नाम दिया गया है, कौन पहले आया यही आपको बताना है, बताइए। देखिए, अगर आपको सबका टाइम पीरियड पता होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। पहले हम शुरू करते हैं इंदिरा गांधी से। तो इंदिरा गांधी का है 1966 से लेकर के 1977 तक, ठीक है, एक बार रहा, फिर दोबारा भी ये प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पे दूसरे लोगों का देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू का तो 1947 से, ठीक है, और 1964 तक। मुरारजी देसाई 1977 से लेकर के 1979 तक। चरण सिंह, तो चरण सिंह 1979 से लेकर के 1980 तक। जब आपको सबका डेट पता होगा तब आप आसानी से सेट कर सकते हैं कि पहले आएंगे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मुरारजी देसाई, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह, यानी कि चरण सिंह है ये, तो यानी कि हो गया तीसरा वाला ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। जो केंद्रीय बजट आता है उससे संबंधित है, और ये है कटौती। क्योंकि जब बजट आता है तो आप देखते हैं सरकार बताती है कि हम कहाँ पर कितने का कटौती कर रहे हैं, कितना कहाँ पर दे रहे हैं, तो ये जो शब्द है कटौती, ये बजट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। संसद में कई तरह की समिति होती है, इसमें से लोक लेखा होती है, प्राकलन होती है, लोक उपकर्म होती है, लेकिन यहाँ पे
जो पूछा गया कि अस्थाई समिति नहीं है, इसके लिए सही उत्तर होगा परामर्शदात्री समिति। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। मतलब जो केंद्र सरकार में मंत्री होते हैं किसके मतलब रहने पर अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो ऐसा होता है केवल और केवल राष्ट्रपति के। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को या किसी सांसद को मंत्री बनाना होगा तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उनको मंत्री बना देंगे। हालांकि जो सांसद नहीं है उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है, किसी आम व्यक्ति को भी उठा करके मंत्री बनाया जा सकता है अगर वो लोकसभा में चुनाव योग्य हो और 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा या फिर राज्यसभा में जाना होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है। जब बात आती है कि भारत में कानून को कौन बनाता है, तो भारत में कानून को बनाने का काम होता है संसद का, और संसद में कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और इसके अलावा प्रेसिडेंट। मतलब 3 लोग मिला करके हम संसद कहते हैं, और इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा में आप क्या देखते हैं, यूपी में आप देखेंगे तो 80 सीटें हैं, बिहार में आप देखेंगे तो लगभग 40 के आसपास सीटें हैं। जो स्टेट जितना छोटा है, जितने कम लोग हैं वहाँ पर उतने कम सीटें हैं, यानी कि इसको हम कहेंगे भूभागीय प्रतिनिधित्व। ये भी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। जो राज्यों की सहायता अनुदान होती है ये किसकी समेकित निधि से दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसके कहने पे। देखिए, ये होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग को बनाया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, और वित्त आयोग के कहने पर ही कोई भी अनुदान दे सकती है केंद्र सरकार। क्या आप बता सकते हैं वित्त आयोग कितने टाइम के लिए बनता है, एक बार? तो ये बनता है 5 साल के लिए। अगला है कि संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। निषेधाधिकार का मतलब होता है रोक देना। तो कोई विधेयक संसद में है तो उसको राष्ट्रपति अगर रोकना चाहते हैं तो उनके पास किस तरह के अधिकार हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा जीबी, जिसको हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। जैसे कि जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर कोई भी विधेयक प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो वो उसको रोक लेंगे, ना तो ना कहेंगे ना तो हाँ कहेंगे, इसको हम कहते हैं जीबी। और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जा चुका है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, भारत में तो संसदीय प्रणाली है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से। और यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद होती है ये लोकसभा में उत्तरदायी होती है। अब उत्तरदायी का क्या मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन लोकसभा पूछेगा तो मंत्री जी को बताना ही पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि लोकसभा में वही लोग जाएंगे जो कि लोकसभा के होंगे, राज्यसभा में वही लोग बैठेंगे जो कि राज्यसभा के होंगे। ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा वाला व्यक्ति राज्यसभा में बैठ जाएगा और राज्यसभा वाला व्यक्ति लोकसभा में, लेकिन मंत्री जी के साथ ऐसा नहीं होता है। जो मंत्री होते हैं उनको इसमें भी जा कर के उत्तर बताने का अधिकार होगा और इसमें भी, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो। प्राकलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं। प्राकलन समिति होता है संसद में, और प्राकलन समिति में पूछा गया है कि कौन कौन शामिल किया जाता है, कितने लोग शामिल किए जाते हैं, तो ये होता है 30 लोग। ठीक है, अगर आपको पता हो कि 30 तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सारे विकल्पों में 30 है। तो ये लोग केवल लोकसभा से लिए जाते हैं और इनका काम ये होता है कि जो भी संसद के समक्ष बजट आए उसको मतलब देख रेख करना, और देखा जाए कि उसमें धन का आवंटन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारी काम होती है प्राकलन समिति की। LDC का ये क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। वेतन कम कर देने वाली बात है, तो वेतन कम करेंगे आप तभी जब भारत में वित्तीय आपात हो। ठीक है, वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है, 360। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, ये है नॉर्मल, ये है स्टेट वाला और ये है वित्त वाला। तो अगर ये लगा रहेगा तब सरकार के पास पावर है कि कर्मचारियों का वेतन कम कर दे, ताकि देश में जो वित्तीय स्थिति आ गई है उसको मैनेज किया जा सके।
निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के तहत आती हैं? देखिए, समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक केंद्र सूची होती है, संघ सूची जिसको हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संघ सूची में जो भी बिंदु रखे गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है। समवर्ती सूची में जो बातें रखी गई हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों का है, और जो राज्य सूची है इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य को है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि कौन सी मदों को समवर्ती सूची में रखा गया है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा मजदूर संघ। अगर आप नागरिकता को देखेंगे तो ये संघ सूची में है। ठीक है, मतलब नागरिकता पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, ये केवल केंद्र का काम है। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के मूल आधार क्या हैं, बेसिक आधार क्या हैं जो लोक लेखा समिति होती है। तो लोक लेखा समिति के जो मूल अधिकार होते हैं ये ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जाँच करता है, यानी कि इसके लिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। MTS 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो किसको दिया जाता है ये पूछा गया है। देखिए, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद किसको मिलता है, तो ये मिलता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? देखिए, आपके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात आ रही है, तो इसको लगाने और हटाने का पावर है केवल और केवल संसद के पास। आप ये जानिए कि भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल संसद ही है, तो ये संसद ही होता है। अगर आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार पूरे नहीं होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमको बोलने का अधिकार है, ठीक, आर्टिकल 19A के तहत, लेकिन क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो आपका अधिकार है ये पूरा नहीं है, ये कुछ हद तक है, तो इस पे प्रतिबंध लगाने का काम संसद का हो सकता है। CGL टायर 1 का ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को टेस्ट के रूप में चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ PDF मिल जाएगी, टेस्ट दे सकते हैं। पीछे की सारी वीडियो आने आगे जो वीडियो आने वाली है उनको भी आप वहाँ पे देख पाएंगे। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? जब हम किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं तो वहाँ पे एक बार में 6 महीने तक रखा जा सकता है। जैसे किसी राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं है या फिर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो वहाँ पे हम राष्ट्रपति शासन लगा दिए, लेकिन ये केवल 6 महीने के लिए लगेगा। 6 महीने के बाद भी स्थिति क्लियर नहीं हुई तो फिर 6 महीने, ठीक है, और उसके बाद इसको बढ़ाया जा सकता है 3 साल तक के लिए, लेकिन इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी संसद से, और एक ही बार में 3 साल के लिए नहीं बढ़ेगा, ये रुक रुक के बढ़ाना होता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसको? जो संसद में लोक लेखा समिति यानी कि जिसको हम PAC बोलते हैं, 1967 के आसपास इसका चयन हुआ, तो यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन या फिर उनको बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप देखिए कितने बार पूछा गया है, CGL टायर 1 में भी और LDC परीक्षा में भी। किस सदन में सदस्य उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में ऐसा होता है? हमने आपको बताया कि जो व्यक्ति राज्यसभा का होगा वो व्यक्ति राज्यसभा में ही बैठेगा, मंत्री जी को छोड़ के, मतलब प्रधानमंत्री को भी, और जो व्यक्ति लोकसभा का होगा वो लोकसभा में ही बैठेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सदन है जहाँ का अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है और ऐसा होता है केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है बताइए? ये होते हैं उपराष्ट्रपति। चलिए बताइए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके उपराष्ट्रपति कौन है और उनका नंबर कौन सा है? दो चीज़ें आपको बताना है, उपराष्ट्रपति कौन है और उनका नंबर कौन सा है, 14वां 15वां इस तरह। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम पूछा गया है तो बताइए, लोकसभा और विधानसभा। देखिए, अस्थायी पूछा गया है, ठीक है,
तो अगर आप राज्यसभा को देखेंगे तो राज्यसभा एक अस्थाई है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है अस्थाई, तो अस्थाई है लोकसभा और विधानसभा। इसमें अस्थाई कौन होता है, तो लोकसभा के साथ होती है राज्यसभा और विधानसभा के साथ होती है विधान परिषद। तो विधान परिषद को भी हटाया नहीं जा सकता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा होगा। अगला है कि भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है। कभी कभी इसको हरित मंत्रालय भी बोलते हैं और इसका नाम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। इसको ग्रीन मिनिस्ट्री भी बोलते हैं और ऐसा है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। सीजीएल 2013 और 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमण गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम से ये क्वेश्चन है, तो ऐसा होता है कार्यपालिका और विधानमंडल के संयोजन से। अगला है कि संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है। जो संघीय सरकार होती है वो किस स्वरूप की होती है। जैसे हमारे यहाँ संघीय सरकार है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये अगर हम दिल्ली मान लें तो एक पीएम भी है और एक सीएम भी है, ठीक है। उसी तरह देश में आप देखेंगे कि एक पीएम भी है और हर जगह सीएम भी है। तो ये होता है केंद्र और राज्यों के बीच का करार, इसको हम बोलते हैं संघीय सरकार। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे तो संसदीय सिस्टम है, अमेरिका में देखेंगे, रूस में देखेंगे, फ्रांस में देखेंगे, तो यहाँ पर राष्ट्रपति वाला सिस्टम है। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये पूछा गया है, बताइए। यहाँ पर आपके लिए लगभग 2 से 3 सेकंड हम दे रहे हैं और इसी में आपको बताना होता है। तो यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर होगा विधायी कार्यकारी संबंध। आप देखेंगे अगर आपको एक सिंपल भाषा में बताएं तो हमारे यहाँ जो संसद होता है इसमें पीएम को ज़्यादा पावर है, लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की बात करेंगे, रसिया की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, तो यहाँ पर राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल होता है। वही अगर पाकिस्तान की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, मतलब कि लंदन की बात करें, तो यहाँ पर पीएम पावरफुल होते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है। कोई भी बात राष्ट्रपति जी को कौन जाएगा बताने, और कोई भी बात मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति जी से कौन लाएगा बताने, तो ऐसा होता है केवल और केवल प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, हम इसको कई बार इसी वीडियो में बता चुके हैं। तो अभिन्न अंग की बात करें तो ये होता है संसद का, क्योंकि जब संसद की हम बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिलाकर के ही बनेगा क्या संसद। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसको मिली हुई है। अखिल भारतीय आर्टिकल भी पूछा जाता है, तो 312 आर्टिकल के तहत ये बताया गया है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं हैं इसमें जो भी नियुक्ति होगी या फिर इसको पावर जो मिला है ये संसद को मिला है। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। अंतकालीन, अब अंतकालीन कहने का क्या मतलब है, तो अंतकालीन कहने का ये मतलब है 1950 में, जब 26 जनवरी 1950 को संसद काम करने लगी तो उस दौरान कितने लोग थे। इस समय अगर आप पूछेंगे तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग चुन करके जा सकते हैं, राज्यसभा में 250 लोग, ठीक है। हालांकि जाते नहीं है, यहाँ पे लगभग 443 लोग ही हो पाते हैं। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा रखा गया है सीट खाली करके, ताकि कहीं कोई हिस्सा किसी और देश से जुड़ेगा तो वो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर थे केवल 313। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। कोई भी नया राज्य बनाना होगा तो ये किसके पास पावर है, ये है केवल किसके पास, तो ये है केवल और केवल संसद के पास, ठीक है। संसद नया राज्य बना सकता है, जैसे कि तेलंगाना बनाया गया था 2014 में, आप जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं उसी तरह, तो इसके लिए संसद सही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर PDF चाहिए या फिर खुद टेस्ट देना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।